हेलो भाइयों, आज की वीडियो स्पेशल डार्क स्किन इंडियन मेन वाले लड़कों के लिए होने वाली है। अगर आप एक डार्क स्किन वाले हो तो आज की इस वीडियो में आपको 6 फैशन टिप्स फॉर डार्क स्किन इंडियन मेन देने वाला हूं। अगर आप इन 6 टिप्पों को रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपका हैंडसम लेवल यहाँ होगा, तो वीडियो देखने बाद यहाँ हो जाएगा। भाइयों, आपका कॉम्बिनेशन मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिखते हो। ये तो जरूरी नहीं कि जो बंदा काला हो वो अच्छा नहीं दिख सकता और जो बंदा गोरा हो वो हमेशा हैंडसम दिखेगा। 6 टिप्पो जो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आपका हैंडसम लेवल यहाँ होगा, तो वीडियो देखने बाद यहाँ हो जाएगा। हमारी टिप नंबर फर्स्ट है ब्राइट कलर्स। अगर हम इंडियन कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारा कॉम्बिनेशन लाइट ब्लैक जैसे हम सावला कहते हैं, मीडियम डार्क ब्राउन जिसे हम काला कहते हैं, इन कॉम्बिनेशन में जो कलर सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो बहुत लाइट कलर है, जैसे वाइट, लाइट ब्लू, ग्रे। हमारी टिप नंबर सेकंड है अवॉइड ब्राइट एंड चमकीले कलर है। अगर आप अपने वॉर्डरोब में अच्छे कलर ऐड करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि उनका शेड एकदम लाइट हो। जैसे आप ब्राइट येलो की जगह लेमन पहन सकते हैं, ब्राइट येलो की जगह लाइट मैरून पहन सकते हैं। ब्राइट कलर से होता क्या है, वो आपकी स्किन से अपोजिट दिखते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी हाईलाइट होती है। आप ये ध्यान रखना जो आप कपड़े पहन रहे हो वो आपकी स्किन से अच्छे से मैच हो करें। हमारी टिप नंबर थर्ड है वियर एक्सेसरीज वियर गोल्ड कलर, क्योंकि सिल्वर कलर उन पर ज़्यादा अच्छा लगता है जो थोड़े गोरे होते हैं। आपका कॉम्बिनेशन डार्क है तो आप गोल्ड कलर ज़्यादा पहनना चाहिए, लेकिन आपको सिल्वर कलर ज़्यादा पसंद है तो आप सिल्वर कलर पहन सकते हैं। हमारी टिप नंबर फोर है क्रेक हेयर स्टाइल। आपको करना है अपने फेस के हिसाब से हेयर कट करवाना है, अपने फेस के हिसाब से एक अच्छा सा हेयर स्टाइल रखने के लिए अपना फेस शेप जानना होगा। हर फेस शेप पर अलग अलग हेयर स्टाइल होता है, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा आपके फेस के हिसाब अकॉर्डिंग कौन सा हेयर कट आप पर अच्छा लगे। हर फेस शेप पर अलग अलग हेयर स्टाइल होता है, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा आप पर। फेस चार तरह के होते हैं, ओवल, राउंड, डायमंड, स्क्वेयर। अगर आपका फेस शेप राउंड है तो आप ऐसा हेयर स्टाइल रखो, अगर आपका फेस शेप डायमंड है तो आप ऐसा हेयर स्टाइल रखो, अगर आपका फेस शेप ओवल है तो आप ऐसा हेयर स्टाइल रखो, अगर आपका फेस शेप स्क्वेयर है तो आप ऐसा हेयर स्टाइल रखो। हमारी टिप नंबर फाइव है फॉर्मल क्लोथिंग मेक स्टाइलिश। फॉर्मल कपड़े जैसे कोट, पैंट, ब्लेजर सावले लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फॉर्मल स्टैंडर्ड कलर जैसे ब्लैक, ब्राउन, डार्क स्लेटी सावले लड़के पर बहुत जचते हैं। फॉर्मल में बस इन बातों का ध्यान रखना बल्ट और शूज का कलर सेम हो, इससे आपकी पर्सनैलिटी एक नेक्स्ट लेवल लगेगी। हमारी टिप नंबर सिक्स है स्किन की। स्किन गोरी होने से आप स्मार्ट नहीं दिखते हो, नाक नक्शा और स्किन साफ सुथरी होने से आप स्मार्ट दिखते हो। मैं आपको कोई क्रीम या ये लगाओ या वो लगाओ या कोई केमिकल प्रोडक्ट लगाओ, केमिकल प्रोडक्ट से आप दूर ही रहिए। फेयर लवली, फेयर हैंडसम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हो। तो आप ये सोच रहे होंगे हम अपनी स्किन की केयर कैसे करें, क्या लगाएं जिससे हम अच्छे दिख सकें। तो आपको करना यह है, रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाना है और सुबह उठकर गुनगुने वाटर से उसे वॉश करना, इससे आपके चेहरे में ग्लो आएगा। ये थी हमारी 6 टिप। इन 6 टिपों को आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट देखने वाले हो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ये बताया करो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।